दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों इंडियन नेवी की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी के अंतर्गत चार्ज मैन की भर्ती निकली है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इंडियन नेवी चार्ज मैन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की अपडेट आ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से यानी कि रक्षा मंत्रालय की ओर से नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट रिक्रूटमेंट चार्जमैन सेकंड का ये नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आपसे मंगाए जा रहे हैं। इस भर्ती के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से, भारत के संपूर्ण राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल 372 वैकेंसीज निकली है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 15 मई से 29 मई तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट अपडेट हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जैसे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपका इसमें क्या रहने वाला है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं इंडियन नेवी भर्ती 2023 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस भर्ती की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको PDF से इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे, जैसे कि क्या यहाँ पर ट्रेड वाइज वैकेंसीज रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न सिलेबस रहेगा, वो डिटेल हम आपको PDF से दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, चार्ज मैन की पोस्ट निकली है। इंडियन नवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट चार्ज मैन सेकेंड एग्जाम 2023 के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। 372 टोटल खाली पद है, इसमें अन्य जो के लिए सबसे अधिक पद है, 216 वैकेंसीज निकली है। OBC के लिए 74 वैकेंसीज है, EWS कैटेगरी के लिए भी 25 वैकेंसीज निकली है, SC कैटेगरी के लिए 42 वैकेंसीज है और ST के लिए भी 15 वैकेंसीज यहां पर निकली है। दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए स्टार्ट होगी 15 मई 2023 से, लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 29 मई 2023 है। सैलरी डिटेल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो 35,400 से 112,400 लेवल 6 के अंतर्गत सैलरी आपको प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। डिग्री धारक और डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर कोई डिप्लोमा होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर यहाँ पर इसमें बात की जाए तो 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको एज में रिलैक्सेशन भी दी गई है, जो हम आपको PDF से ही दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जनरल OBC या EWS कैटेगरी के लिए 278 रुपये एप्लीकेशन फीस है। सभी फीमेल कैंडिडेट SC ST PWBD या ESM को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBT के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम पैटर्न सिलेबस भी हम आपको PDF से ही दिखाएंगे। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। joinindiannavy.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही इस भर्ती की शॉर्ट नोटिफिकेशन। डिटेल नोटिफिकेशन के अंतर्गत आप यहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर इंडियन नेवी की ओर से चार्जमैन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। CM1/2023 ऑनलाइन ही आवेदन पत्र आपसे मंगाए जा रहे हैं। joinindiannavy.gov.in पोर्टल के द्वारा आप चार्जमैन सेकंड की पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन से यहां पर आपसे एक्सेप्ट किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप सैलरी चेकआउट कर सकते हो, 35,400 से 112,400 है लेवल 6 के अंतर्गत प्रति माह के लिए। यहां पर हम आपको ट्रेड वाइज वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए देख सकते हो, इसमें इलेक्ट्रिकल फिटर के लिए डिग्री साइंस,
फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें यूआर कैटेगरी के लिए 18 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 9 है, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 3 है, टोटल 42 वैकेंसीज है। दोस्तों हम आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की जानकारी देंगे, आप कैटेगरी वाइज यहाँ से वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। सभी ट्रेड के लिए, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो डिग्री साइंस साथ में फिजिक्स के साथ में होनी चाहिए, या फिर केमिस्ट्री होनी चाहिए डिग्री में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर मैथमेटिक्स की डिग्री होनी चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर यहाँ पर डिप्लोमा जिस भी डिसिप्लिन जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करोगे उससे आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई एक क्वालिफिकेशन से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, क्वालिफिकेशन सभी की सेम रहेगी, ट्रेड वाइज अलग अलग डिप्लोमा मांगा गया है। तो दोस्तों वेपन ग्रुप के अंतर्गत देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स फीटर के लिए टोटल 11 पद है, और जयपुर फीटर के लिए यहाँ पर 5 है, रेडियो फीटर के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसीज है, रडार फीटर के लिए यहाँ पर रडार फीटर के लिए 11 है, और सोनर फीटर के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसीज है, इंस्ट्रूमेंट फीटर के लिए 4 वैकेंसीज है, कंप्यूटर फीटर के लिए भी 7 वैकेंसीज निकली है, वेपन फीटर के लिए यहाँ पर 8 वैकेंसीज है, इंजीनियरिंग ग्रुप के अंतर्गत बॉयलर मेकर के लिए 3 वैकेंसीज है, इंजन फीटर के लिए यहाँ पर 46 वैकेंसीज है, फाउंडर के लिए भी 2 है, जीटी फीटर के लिए 12 है, आइस फीटर के लिए यहाँ पर 22 है, पाइप फीटर के लिए 21 है, मशीनिस्ट के लिए भी 22 है, और मशीनरी कंट्रोल फीटर के लिए 5 है, रेफ्रिजरेशन एंड एसी फीटर के लिए भी 8 वैकेंसीज निकली है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ग्रुप के लिए यहाँ पर प्लाटर के लिए यहाँ पर देख सकते हो 28 वैकेंसीज है, वेल्डर के लिए 21 है, सिपराइट के लिए 23 है, लेगर के लिए यहाँ पर 9 है, रिगर के लिए यहाँ पर 5 है, सिप फीटर के लिए 6 है, और मिल लाइट के लिए 10 है, आइस फीटर क्रेन के लिए 5 है, पेंटर के लिए 5 है, सिविल वर्क के लिए भी यहाँ पर 6 वैकेंसीज निकली है। इसी तरह प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ग्रुप के अंतर्गत पीपी एंड सी के लिए देख सकते हो टोटल 12 वैकेंसीज है, यहाँ पर टोटल इसके लिए 372 वैकेंसीज है, यहाँ से आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज सिंपल तरीके से चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों बात अगर यहाँ पर इसमें इसके बाद एज लिमिट डिटेल की जाए तो सबसे पहले आप एज लिमिट चेकआउट कर सकते हो, 18 से 25 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा है। इसमें एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एससी एसटी को इसमें 5 साल की छूट दी जा रही है, यानी कि 18 से 30 वर्ष है, ओबीसी के लिए 3 साल के यानी कि 18 से 28 वर्ष है, पीडब्ल्यूबीडीज कैटेगरी के लिए यहाँ पर यूआर के लिए 10 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 13 साल, एससी एसटी के लिए 15 साल की है, ईएसएम के लिए 3 साल की है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 5 साल की है, डिफेंस डिसेबल पर्सन के लिए भी 3 साल के, इसमें एससी एसटी के लिए 8 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। एज लिमिट के बाद आप क्वालिफिकेशन यहां से भी चेकआउट कर सकते हो, यहां पर डिग्री साइंस फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स से भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जिस भी आप डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हो उससे आपका होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन के बाद में आप डेट चेकआउट कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 15 मई है, लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 29 मई 2023 है। जनरल इंस्ट्रक्शंस या कंडीशंस आप यहां से रीड आउट कर सकते हो, यहां पर सिटीजनशिप की और आपको जानकारी दी गई है, नेशनलिटी या सिटीजनशिप आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया है, हाउ टू अप्लाई आप यहां से चेकआउट कर सकते हो, ज्वाइन इंडियन नेवी पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा, उसके बाद में ज्वाइन नेवी वेज टू ज्वाइन सिविलियन और चार्जमैन सेकंड लिंक पर क्लिक करके आपको फॉर्म फिल करना होगा। जैसे कि देख सकते हो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, यहां पर ऊपर ही आप देख सकते हो यहां पर ज्वाइन नेवी की यहां पर ये टैब दी गई है। दोस्तों इस पर आपको यहाँ पर कर्सर ले जाना होगा, उसके बाद में वेज टू ज्वाइन पर ले जाना होगा, और उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर सिविलियन के अंतर्गत चार्जमैन लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक 15 मई से ही एक्टिवेट होगा, 29 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने की यहाँ पर आपको डिटेल दी गई है, जैसे कि फोटोग्राफ का साइज है जो आप अपलोड करोगे, ऑनलाइन आवेदन करते समय 20 से 50 KB का साइज है, JPG या PDF फॉर्मेट में आप यहाँ से इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, जो डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर ये क्राइटेरिया दिया गया है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का ये साइज दिया गया है, सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच में आप अपलोड करोगे। तो ये ध्यान रखिएगा अपलोड करते समय डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दे दी गई है, पूरा क्राइटेरिया दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको फीस पेमेंट की डिटेल दी गई है, किस कैटेगरी को कितनी फीस और कैसे जमा करनी होगी। उसके बाद में एग्जाम सिटीज आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर स्टेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंतर्गत पोर्ट बलियार एग्जाम सेंटर या सिटी रहेगी आपकी,
आंध्र प्रदेश एपी में विशाखापट्टनम रहेगी, बिहार में पटना, असम में गुवाहाटी, दिल्ली में दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली, उसके बाद में यहाँ पर गुजरात में अहमदाबाद, केरला में कोची, मध्य प्रदेश एमपी में भोपाल, महाराष्ट्र में मुंबई, तमिलनाडु में चेन्नई, तेलंगाना में हैदराबाद, यूपी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वेस्ट बंगाल में कोलकाता। तो यहाँ पर आपकी एग्जाम सिटी रहेगी, स्टेट वाइज आपको एग्जाम सिटी की पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रिजेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा उसकी रिजेक्ट होने का यहाँ पर क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। एडमिट कार्ड एग्जाम के लिए आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कब से डाउनलोड कर सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन भी आप पीडीएफ से रीड आउट कर सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चंस होंगे। इसमें आप देख सकते हो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए यहाँ पर 10 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए भी 10 मार्क्स होंगे, जनरल इंग्लिश के लिए भी 10 मार्क्स होंगे, जनरल अवेयरनेस के लिए भी 20 मार्क्स होंगे। तो टोटल यहाँ पर 50 मार्क्स इसमें रहेंगे इन यहाँ पर टॉपिक के लिए। आप देख सकते हो सिलेबस में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप सिलेबस भी रीड आउट कर सकते हो, पूरा सिलेबस आपको दिया गया है। इसमें आप देख सकते हो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ द ट्रेड, ये सभी सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है, जो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके सिंपल तरीके से पूरा सिलेबस रीड आउट कर सकते हो। इस सिलेबस को रीड करने से आप सिंपल तरीके से एग्जाम को क्लियर कर सकते हो और अपनी एग्जाम की तैयारी का प्रिपरेशन यहाँ पर ध्यानपूर्वक कर सकते हो सही तरीके से। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी आप कैंडिडेट्स के जो यहाँ पर दिए गए हैं रीड आउट कर सकते हो अप्लाई करने से पहले। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको डेट दी गई है, लास्ट डेट अप्लाई करने की 29 मई है, और हेल्प डेस्क ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको ऑनलाइन करने में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप यहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो वर्किंग टाइम में। तो दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है, इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों अगर आपको भी ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है और डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करना है तो आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारी इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इंपोर्टेंट लिंक्स का यहाँ पर सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन सेक्शन में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा और फॉर्म फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा क्राइटेरिया है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर के द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी आएगा, जो आपको यहां पर आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको हमारे पोर्टल पर लॉगिन टू अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है। अगर आपने पहले से लॉगिन यहां पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा और यहां पर लॉगिन सेक्शन के अंतर्गत लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल भरनी होगी, उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी होगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। और अगर आपको यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जिस कैटेगरी के लिए फीस है, आपको फीस पेमेंट करना होगा। नहीं तो अगर आपको फीस जमा नहीं करनी है, फीमेल SC ST से आप बिलोंग करते हो, तो आपको बिना फीस पेमेंट किए फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना होगा। और बाकी की जानकारी के लिए दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, इंडियन नेवी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।